हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लंबे घने बाल किसको पसंद नहीं है, पर वहां तक पहुंचना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है क्योंकि हम लोगों के हेयर पे बहुत ज्यादा स्प्लिटन हो जाता है, दुमिए बाल जिसको बोलते हैं, एंड उसके वजह से कट करना पड़ता है। और हमारे जो लंबे बालों का जो सपना है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा बाल बढ़ते ही उसको कट करा लेते हैं हम लोग, क्योंकि स्प्लिटन जो हो जाता है। तो मुझे पर्सनली हेयर, लॉन्ग हेयर बहुत ज़्यादा पसंद है। हर 3 महीना 2 महीना छोड़ छोड़ के मैं अपने स्प्लिटन को कट करती हूँ। कभी सैलून में जाके, ज़्यादातर तो सैलून में जाके करती हूँ, फिर बीच बीच में 3 मंथ का बीच में मैं घर पर भी थोड़ा बहुत कट कर लेती हूँ, बट उससे मेरा हेयर छोटा हो जाते थे, मतलब हो जाता है, लॉन्ग उतना हो नहीं पाता है। तो रिसेंटली मैंने एक प्रोडक्ट बाय किया है, वो हीरो प्रोडक्ट है। ये है स्प्लिटन के लिए, ये बहुत अच्छा है, नो मोर स्प्लिटन एंड्स। सो ये मैंने नायका से परचेस किया है और इसको ना यूज़ करते ही मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। और मैंने सोचा कि मैं इसको, मतलब मैं ना कन्फ्यूज़ थी कि इसको मैं रिव्यू करूँ ना करूँ, फिर मैंने सोचा मुझे जैसा शौक है लॉन्ग हेयर का, तो मेरे जैसा जो लड़कियाँ है जिसे शौक है लॉन्ग हेयर का, उनके लिए तो बेस्ट होगा। सो और जो लोग बालों को हेल्दी रखना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। सो आप लोगों को भी हेल्प मिल जाएगी। सो यस गाइस, सो मैंने सोचा कि मैं इसको कर लेती हूँ रिव्यू। तो ये रहा पूरा प्रोडक्ट, ये स्ट्रेटनर की तरह ही है। सो इसको मतलब आप महीने में मैं बोलूँगी एक बार कर लो, या फिर 2 महीने में 1 बार, वो डिपेंड करेगा आपका हेयर कितना डैमेज है, कितना स्प्लिटन आपके हेयर पे है। मैंने इसको फर्स्ट टाइम तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि ये आज मैं लाइव आप लोगों के सामने करके दिखाऊँगी, और मैंने ऑलरेडी और एक बार यूज़ कर लिया है एंड हेयर बहुत ज़्यादा अच्छे से स्प्लिटन को निकाल लेता है। तो इससे क्या होता है, हमारे जो हेयर की जो लेंथ है वो कट करने की ज़रूरत नहीं है और स्प्लिटन भी निकल जाता है। सो आपके हेयर भी बहुत ज़्यादा मतलब हेल्दी रहता है, जो ड्राई, जो डैमेजिक, अजीब सा जो खड़खड़ापन जो रहता है हेयर में, वो सारे चीज़ से आपको बहुत मतलब छुटकारा दिला देगा ये। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है पर मुझे लगता है कि ये ठीक है, एक बार में नहीं पर थोड़ा सा पैसा जोड़ जोड़ के आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। सो चलो इसको मैं पहले आप लोगों को मैं अच्छे से दिखाती हूँ। तो ये रहा स्प्लिटन, सॉरी नो मोर स्प्लिटन एंड। सो ये अलन कंपनी का है ट्रिमर, हाँ अलन कंपनी का है, और इसे मैंने नायका से परचेस किया है। और इसमें एक जैसा होता है हर चीज़ में एक कैटलॉग मिल जाता है, इसमें लिखा हुआ रहता है आपको कितना टेम्परेचर में क्या यूज़ करना है, नहीं करना है। सो यस, और ये रहा पूरा एकदम क्यूट सा, बहुत ही छोटा सा है और इसको ट्रैवल फ्रेंडली भी है। और ये इसका लॉक है, लॉक को ओपन करोगे तो ऐसे लॉक ओपन हो जाएगा, और इसको थोड़ा सा ऐसा करके प्रेस करने से फिर इसको ये जो लॉक है ऊपर की तरफ करने से ये पूरा लॉक हो जाएगा, फिर नीचे करने से ये पूरा ओपन हो जाएगा। और मैं, और ये रहा इसका मशीन, और ये रहा इसमें ना इसको अच्छे से अटैच कर लिया, तो इसमें जब हेयर जब जाता है तो यहाँ से ही आपको पता चलता है आपका स्प्लिटन जो भी है, यहाँ पे ही आपको दिख जाता है। और ये रहा चार्जर प्ले, मैं आप लोगों को, मैं आप लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, सो एंड्रॉयड मोबाइल का जो चार्जर है आप लोगों को केबिन मिल जाएगा, सो आप इसमें आराम से इसको चार्ज कर सकते हैं। चार्जर भी मैं दिखा दे रही हूँ, बस ऐसे ही इसको चार्ज करना है, और ये जो बटन है इसको प्रेस करते ही ऑन हो जाएगा, ऑन करके भी मैं दिखा रही हूँ। सो गाइज, जो लोग मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि एक बार में खरीद लो, आपको पता है ये मैंने बहुत टाइम तक, लगभग 1.5 साल, यस नहीं नहीं 1.5 साल से ज़्यादा होगा शायद,
एक साल 7 महीने ऐसा कुछ होगा, मेरा ये विश लिस्ट में था। मैं हमेशा सोचती हूँ कि इस बार तो मैं खरीद लूँगी, इस बार तो खरीद लूँगी, बट ज़रूरत का जो सामान है वही लेती थी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने इसको एकदम से परचेस कर लिया है, विश लिस्ट में मैंने बहुत टाइम से रखा है। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा पैसा को ना, मैं जो भी मुझे चीज़ें लेनी होती है मैं थोड़ा थोड़ा पैसा को साइड कर लेती हूँ, उसके बाद मैं वही सारी चीज़ मैं अपना लिए बाय करती हूँ। ये मैं पहले भी ले सकती थी पर मैंने कुछ और लेना था इसलिए मैंने इसको लिया नहीं। तो आप लोगों को भी बोलूँगी कि आप लोग भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि आपके हेयर बहुत हेल्दी रहे और अच्छा ये लॉन्ग भी हेयर आपका हो जाएगा। वैसे भी हम लोग सैलून में जाते हैं, तो मैं कोलकाता का बात कर रही हूँ, मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे सिंपल से ही सैलून है। फिर भी मैं इस प्लेटन को थोड़ा सा कट करने जाती हूँ, फिर भी वो कभी 200 कभी 300 भी 300 तब लेता है जब थोड़ा सा और हेयर को, जैसे इस प्लेटन को आपने कट कर लिए, थोड़ा सा हेयर को हल्का सा चॉप भी करना होगा तो 300 चार्ज करते हैं, तो ऐसा तो लग ही जाता है। सो एक बार में पैसा थोड़ा सा जोड़ के अगर ले लिया जाए तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, बहुत टाइम तक आपका साथ देगा। वो डिपेंड करेगा कि आप इसको भी कैसे मेंटेन कर रहे हो। सो इसको चलो अब देखते हैं कि इस पे कैसा वर्क करता है, आप लोगों को मैं लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी ताकि आप लोग खुद जज कर पाओ कि इसको बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। और ये वीडियो ये रिव्यू आप लोगों के लिए है कि आप लोगों को ये लाइव जो भी मैं दिखाऊंगी कितना अच्छे से मेल निकालूंगी इस प्लेटन को दो मुहे बालों को, तो आप लोगों को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मैं ऐसे तो खामखा आप लोगों को नहीं बोल सकती कि हाँ मैंने लिया है, मैंने यूज़ किया है, मुझे पसंद आया, आप लोग ले लो ना, आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लेना। तो चलो मैं इसको पहले तो मैं इसको चार्जर लगा दूंगी। सो चार्जर लग जा, ये रहा। सो यहाँ पे चार्ज हो रहा है पर रेड लाइट ऑन हो गया है। ये है इसका अजीब सके जैसा आवाज, जैसे जंगल वंगल में कुछ पौधों में कुछ कीड़ा वीड़ा रहता है, अजीब सा पता नहीं आवाज है। तो ये आवाज इसका है, तो ये आवाज तो देगा ही। तो इसको जब आप ऐसे अटैच करोगे एंड अरे भाई चुप हो जा, मैं ये आप लोगों को दिखा रही थी। यहाँ पे ना आपको ना आपके अकॉर्डिंग आपको जैसा लगता है आप उस पे, अरे यार ये तो आवाज इतना। यहाँ पे सारे चीज आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा आ भी गया है, थोड़ा थोड़ा आप सेक्शन करके अपना कर सकते हो। मैं थोड़ा थोड़ा सेक्शन करके ही करती हूँ, कभी कभी तो पूरा ही कर देती हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अब इस टाइप का दिखा रही हूँ इस साइड से ताकि आप लोगों को दिखे अच्छे से। एक चीज बोलूंगी, जब नीचे का लेंथ करोगे ना तो उसको पार्टीशन मत करना, क्योंकि नीचे का लेंथ को ना एकदम इकट्ठे करके अब इसके ऊपर बहुत आ गया है, बहुत आ गया, मतलब जितना रहेगा उतना आ गया है। मेरा उतना ज़्यादा स्प्लेटन है नहीं, क्योंकि मैंने जैसे बोला है मैं अपने हेयर को ऑलवेज मेंटेन करके रखती हूँ, तो उतना ज़्यादा है नहीं, पर जितना भी है आ गया है। इससे ना हेयर जब पूरा जब निकल जाता है, इससे आपके हेयर बहुत ज़्यादा स्मूथ लगता है और बहुत ज़्यादा और ज़्यादा शाइनी करता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप ऐसा लगता है कि बालों पर ही सिर्फ हाथ फेरते रहे। सो यस गाइज, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप लोग अब हम लोग दूसरे साइड पे आ गए हैं, दूसरे साइड पे अब करेंगे।
आप लोगों को पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके गाइस, तो आप लोग देख लो, इसके अंदर दिख ही सकते हो, इसके एकदम अंदर तक एकदम जो स्प्लेटन है वो पूरा गया है। और यहाँ पे जो है ये मतलब डिपेंड करता है आपका, अगर कुछ ज़्यादा होगा तो ज़्यादा निकलेगा, अगर कम है तो कम निकलेगा। सो कितना अच्छे से ये पूरा निकाला है, ये पूरा जितना मेरा स्प्लिटन था वो निकल गया है। इससे ज़्यादा तो ऑफकोर्स नहीं निकलेगा, जैसे कि मैं अपने हेयर में मेंटेनेंस रखती हूँ। सो जितना था निकल गया है। किसी का अगर बहुत ज़्यादा है, जैसे किसी किसी का दो मुहे बाल बहुत ज़्यादा होता है, वो अगर कर ले तो पता नहीं उसका कितना ही निकलेगा, उसके बाद तो उसका हेयर बहुत ज़्यादा हेल्दी भी लगेगा। सो यस गाइज, ये आप यूज़ कर सकते हो। और इसका प्राइस मैंने इसको नायका से परचेज़ किया है, इसका प्राइस है 399, मैंने एक रुपया कम, पूरा 4000। तो ठीक है, 4000 आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि 4000 इन्वेस्ट करने के बाद ये बहुत लॉन्ग टाइम चलेगा, आपका हेयर का मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऊपर से आपको जो पार्लर में जो आप कटिंग के लिए जाते हो, मतलब जो स्प्लिटन निकालने के लिए जाते हो, वो सारे चीज़ से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप घर पे कभी भी कर सकते हो और ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगा, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा अगर है तो आप महीने में पहले दो बार करके कर लो, दो महीना कर लो, उसके बाद जब पूरा निकल जाएगा उसके बाद मेंटेनेंस के लिए आप दो महीने में एक बार कर सकते हो, फिर एक महीने में एक बार कर सकते हो। वो पूरा पूरा डिपेंड करेगा कि आप रेगुलर आपका कैसा मेंटेनेंस है, कैसे आप अपना रूटीन को हेयर रूटीन को फॉलो कर रहे हो। सो इसके बारे में मुझे एक बात बतानी है, जो कि यही है कि ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। और ये प्रोडक्ट मेरे पास स्ट्रेटनर है, वो सारे चीज़ भी है, पर ऐसा नहीं है कि मैंने स्ट्रेटनर खरीदा है फिर कुछ भी खरीदा तो मैं रिव्यू करने बैठ जाऊँ। बट ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये जो ट्रिमर है, ये जो आपका स्प्लिटन के लिए स्पेशल है, इसका और कोई काम नहीं है। ये ना आपका हेयर को स्ट्रेट करता है, ना कर्ल्स करता है, ना कुछ भी करता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके हेयर से जो दो मुहे बाल है, जो स्प्लिटन है, जो डैमेज हो जाते हैं, वो चीज़ को सिर्फ निकालता है, इसका यही काम है। सो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तो इसको रिव्यू करूं, ताकि मुझे जैसे पता चला, मैं जैसे यूज़ कर रही हूं, ताकि आप लोगों को भी पता चले, आप लोग भी यूज़ करो और अपने हेयर को आप लोग हेल्दी रखो। क्योंकि मेरा मैं हमेशा स्किन और हेयर के रिलेटेड ही बात करती हूँ, कैसे स्किन को हेल्दी रखा सके, कैसे हम लोग अपने हेयर को हेल्दी रख सके। सो ये हेल्दी हेयर के लिए एक टूल है, या फिर एक मैजिकल प्रोडक्ट है, जिसको यूज़ करने से आपके हेयर सच में बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगी। तो आप लोगों को मैं एक रुक जाओ, अच्छा हाँ, आपको अगर समझ में भी नहीं आएगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ पे सारे चीज़ वन बाय वन कैटलॉग में हर एक चीज़ दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे पढ़ के भी यूज़ कर सकते हो। बट आप जब भी इसको यूज़ करोगे, तब भी एकदम से आपका हेयर ड्राई होना चाहिए, आपके हेयर पे कोई ऑयल नहीं होना चाहिए। आप कोशिश करो पूरा ड्राई, जैसे एकदम पूरा ड्राई होने के बाद उसके बाद ही इसको यूज़ करो। और गीले बालों में कभी भी यूज़ नहीं करना है, कि कुछ चीज़ें आप ध्यान रखो, और ऑयलिंग करने के बाद भी इसको यूज़ नहीं करना है। जब शैम्पू कर लिया, शैम्पू करने के बाद बालों को सुखा लिया, उसके बाद इसको यूज़ करो, तो आपको अच्छा भी रिजल्ट दिखने मिलेगा। उसके साथ साथ आपका जो ट्रिमर है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या फिर कभी कभी हो सकता है, क्योंकि ये जो तार आप देख रहे हैं, ये ऑलरेडी चार्ज में मेरा लगा हुआ है, तो इसमें अगर गीला बाल या फिर कुछ भी बाल जाए तो आपको सॉफ्ट लग सकता है, मे बी
तो आप ये सारी चीज से बचे रही है। एक छोटू सा ब्रश आता है, जैसे ब्रश आता है उससे ब्रश किया जाता है, पर वो ज़्यादा अच्छे से क्लीन नहीं होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि आपका छोटा छोटा हेयर जो स्प्लिटन है इसके अंदर जो रह जाता है, तो जो हम लोग जो ब्रश करते हैं, जो हम यूज़ नहीं करते, जो ख़राब हो जाते हैं, वो ब्रश को फेंकना मत। वही ब्रश से ही आप इसको, जब एक कैप को ओपन कर दोगे और यहाँ से आप ऐसे ऐसे करके उसको रिमूव कर सकते हो, आराम से इजीली रिमूव हो जाता है। पर कोई भी पानी को टच मत करना, पानी से इसको धोना धाना कुछ नहीं है, इसको सिर्फ ऐसे ही नॉर्मली ब्रश से ऐसे ऐसे कर झाड़ दोगे तो ये क्लीन हो जाता है। सो गाइज, आप लोगों को आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत भी आज का वीडियो में हेल्प मिला होगा, क्योंकि ये वाला जो प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट के लिए तो ही मैं रिव्यू कर रही थी और ये प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू हो भी गई है। और क्योंकि ये प्रोडक्ट मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई, तो मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लूँ, ताकि मेरे जैसा लॉन्ग हेयर का शौक रखने वाले लड़की अभी इसका लुत्फ़ उठा सके। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो और बेल आइकन को ढंग ढंग करके एकदम ऑन कर लो, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो देख सको। चलो, तब तक के लिए बाय।